नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतु चौधरी तरुण मित्र से। आज हम यहाँ नोएडा में आए हैं। नोएडा की एक बहुत ही डायनेमिक शख्सियत मिस सुनीता काबरा जी से मिलने के लिए, जो कि सीईओ हैं रेशम लाइफ केयर प्रोडक्ट्स की और वास्तु एक्सपर्ट भी हैं और BMIP एक्सपर्ट भी हैं ये। तो आज हम आपसे मिलाने जा रहे हैं उन शख्सियत को। नमस्ते। नमस्ते सुनीता जी। सुनीता जी, हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप थोड़ा सा बताएंगी। जैसे कि मैंने सुना हुआ है DMIT, इट्स अ ब्रेन के, मतलब उसमें बोलते हैं कि ब्रेन रीडिंग हम कर सकते हैं अपने फिंगरप्रिंट्स के जरिए किसी भी इंसान की, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहेंगे। जी बिल्कुल, बताना चाहूँगी। और आज के टाइम में ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है हर किसी के लिए, लेकिन आज भी मुश्किल से 1% लोगों में इसके अवेयरनेस है। बेसिकली इंडिया में अगर देखा जाए तो इसको पहले सिर्फ जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है या फिर जो बहुत वैसे क्रिटिकल क्रिमिनल्स होते थे उनकी माइंड साइकोलॉजी को समझने के लिए इसे यूज किया जाता था, बट आज इसको डे टू डे लाइफ में हर किसी को यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता रहेगा तो हम अपनी लाइफ को, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, प्रोफेशनल लेवल पे हो या स्पिरिचुअल लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हम उसको बहुत अच्छे तरह से एक मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। सुचिंदा जी, मैं जानना चाहूंगी कि क्या ये रियल में वर्क करता है? जी बिल्कुल वर्क करता है, 100% वर्क करता है, क्योंकि जब कोई भी बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो माँ के वॉम में ही जो 13 वीक से लेकर 21 वीक के अंदर बच्चों के अंदर जो बेबी रहता है उसका ब्रेन डेवलप होता है। उसी समय में उसके फिंगर्स के लेयर्स बननी, स्किन बननी स्टार्ट हो जाती है और उसी समय में वो जो फॉर्मेशन होता है वो इंसान के साथ लाइफ टाइम रहता है। ये तो हम सब जानते हैं, जैसे अभी आपने स्टेम सेल्स के बारे में सुना होगा। पहले जब हम छोटे थे हमने कभी नहीं सुना, लेकिन अब हम उसके बारे में जानते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में जानते हैं, उसके जो बेनिफिट्स है उनके बारे में पता चलता है कि आज बहुत सारे फिजियोथेरेपी सेंटर्स बन गए हैं जहाँ पे स्टेम सेल को प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो उसी तरीके से DMIT जो होती है उसका बेसिक पर्पस यही होता है कि जो हमारी इनबिल्ट क्वालिटी है 80% वो वर्क करती है। हाँ, 20% हम अपने सराउंडिंग से, हम अपनी एफिशिएंसी से अपनी क्वालिटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी इनबिल्ट क्वालिटी है वो कभी चेंज नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते रह जाते हैं कि आगे क्या रीजन है कि ये एक सेम मिस्टेक हमारे से बार बार होती है, तो उसका रीजन यही होता है कि वो हमारे बैक में पड़ा हुआ है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो बेसिकली जो हमारी जो फिंगर बायोमेट्रिक टेस्ट जो बोलते हैं कि जो हमारे फिंगर की टिप्स होती है इस पे जो लेयर बना होता है, ये सब पे इसे प्रिंट्स यूनिक होते हैं। इंडिया में क्या कहीं पे भी वर्ल्ड में जितने लोग हैं वो सबके बिल्कुल अलग अलग होते हैं, तो उसी के आधार पर इसकी रीडिंग की जाती है, जिससे हमें समझ आता है कि अगर मैं बात करूं कि लोगों के समझ आने की कि किस तरीके से इसको देखा जाता है, तो बेसिकली इसके कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। जैसे हम ब्रेन के, ब्रेन कितने तरह के होते हैं उन पे काम करते हैं, उसके बाद उनकी 8 इंटेलिजेंसी पैटर्न के ऊपर काम किया जाता है, क्योंकि कोई किसी भी स्किल में है, चाहे वो प्रोफेशनल हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो या किसी के पास कोई स्किल हो, सिर्फ वो जो 8 क्राइटेरिया है उसके अंदर ही आते हैं सारे इंसान। ओके सुधीर जी, तो जैसे ये DMIT है और ये टैरो कार्ड रीडर हो गया, ये तो इनमें जो होता है, मतलब अलग अलग टैरो कार्ड रीडर हम किसी का भी करते हैं, तो मतलब ये एक तरह से जैसे टैरो कार्ड रीडर या फिर अगर मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ओके, हालांकि कहीं ना कहीं इंट्यूशन वाला पार्ट वो सब में रहता है, बट टैरो कार्ड रीडिंग जो होती है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए होती है, लेकिन उसका कोई एक साइंटिफिक वे उसमें भी होता है, लेकिन वो चीजें हमारे हमें एक लाइफ पाथ नहीं दे सकते। अभी अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो न्यूमरोलॉजी में हमें लाइफ पाथ भी समझ आता है, बहुत सारी चीजें हम अपनी लाइफ को इजी कैसे बना सकते हैं उसके लिए समझ आती है। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको अपने घर से स्टेशन जाना है
आपने रास्ता पता है, अगर आप पहले से कहीं गई हुई है तो आपको पता है, आप आराम से चले जाओगे, लेकिन नहीं पता है तो आपने पूछ पूछ कर जाना होगा। दूसरा, अगर नहीं पता है तब आप जा रहे हो तो आप जितनी बार ब्रेकर्स आएंगे उस पर आप ध्यान देकर चलोगे, चलना पड़ेगा। आप एक स्पीड में जा रहे हो और अगर ध्यान नहीं दिया तो बहुत जबरदस्त जर्क लगेगा, लेकिन अगर आपको पहले से पता है तो आप वहां पे अपनी गाड़ी स्लो कर लोगे, बिल्कुल आगे बढ़ोगे तो वो जर्क नहीं लगेगा क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर हो। तो न्यूरोलॉजी हमें वो सब बताता है, लेकिन DMIT जो होती है इसमें हम सारी चीजों को मिक्स कर सकते हैं। लेकिन DMIT में बेसिकली जो हमारे बायोमेट्रिक्स टेस्ट होते हैं उसके थ्रू हम जानते हैं कि इनबिल्ट पर्सनालिटी क्या है, जिस जो हमारे पर्सनल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल तीनों लेवल पे काम करती है, जो कि मैंने पहले भी बताया था। जैसे अगर जो मैंने बताया कि मल्टीपल इंटेलिजेंसी जो होती है तो बेसिकली वो 8 तरह की होती है। कुछ लोग इंटरपर्सनल होते हैं, कुछ इंट्रापर्सनल होते हैं, कुछ विजुअल्स होते हैं, कुछ नेचुरलिस्टिक होते हैं, कुछ कैनेस्थेटिक होते हैं। तो ये जो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं उनके वो उनकी स्ट्रेंथ हो गई। आपकी जो जो लोगों के अंदर बहुत एनर्जी है, कैनेस्थेटिक है, उनको फिजिकली अगर वो इन्वॉल्व नहीं है और वो एनर्जी उनकी ब्लॉक हो रही है तो वो कहीं ना कहीं उनको डिजीज के रूप में कन्वर्ट होगी। तो हम उसको देख करके इनकी किस किस तरीके की लाइफ स्टाइल के साथ मैच करके जो जो डिजीज हो सकती है उसके बारे में पहले से जान सकते हैं। अभी अगर प्रोफेशनल रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो बॉस और इम्प्लॉयज का रिलेशन अगर कोई डोमिनेटिंग है और उसके अंदर इंटरपर्सनल स्किल नहीं है, वो अपने खुद काम अच्छे से कर सकता है लेकिन वो अपनी टीम के साथ काम नहीं कर पाएगा, ठीक से उनको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं उसकी जो अपना अगर वो वहां पे लीडर है तो अपने वर्क के साथ 100% जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से अगर कोई मैं रिलेशनशिप की बात करूं, जो हमारे पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं आज के टाइम में इतना कुछ, मतलब रोज मेरे पास इतने क्लाइंट आते हैं जो प्रोफेशनली भी बहुत साउंड है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं है, रिलेशन में वो गर्माहट नहीं है। कुछ लोग हैं बच्चों से महीनों बात नहीं होती, सब अपने अपने कामों में, तो वो एक कहते हैं ना कि गर्माहट जो होती है रिश्तों की वो अभी लुप्त होती जा रही है। तो श्रीता जी, मतलब कुल मिला के जहाँ तक मैंने आपकी बातों को सुना तो वहां से मतलब आज के टाइम में अगर देखा जाए लोग डिप्रेस बहुत होते हैं, हर किसी का रिलेशन किसी ना किसी बात पर मोस्टली डिवोर्स और ये सब हो रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ये आज के टाइम की जरूरत, बहुत बड़ी जरूरत है कि अगर हम टाइम रहते ही अगर सब इस टेस्ट को करा देते हैं तो उसके साथ साथ हम प्रॉपर उनको काउंसलिंग भी देते हैं, उनसे उनको एक समझ आ जाता है कि हमें कैसे चलना है। क्योंकि जैसे आपको बताया ना रिलेशनशिप की बात है, अभी कुछ लोग विजुअल होते हैं तो जो विजुअल है उनको क्या चाहिए रिलेशनशिप के मामले में अगर देखें तो, जैसे कुछ भी दिखकर उनको अच्छा लगता है, वैसे लोग होंगे उनको सफाई बहुत पसंद होगी, जो विजुअल होते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होती है, वो कहीं पर भी तुरंत उनका माइंड अट्रैक्ट करेगा कि ये सामान यहाँ क्यों रखा है, यहाँ क्यों रखा है। तो अगर हस्बैंड ने टॉवल वॉशरूम से आया है टॉवल बेड पे रख दिया तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, तो अगर वाइफ विजुअल है तो वो उसी समय से स्टार्ट हो जाएगी और कि ये क्या है फिर यहाँ रख दिया, अभी मैं सारे दिन यही काम करती रहूँ, क्या तुम्हारे टॉवल उठाऊं, तुम्हारे सॉक्स उठाऊं और उसको संभालती रहूं, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है ये वो। तो एक टॉवल की बात कहाँ तक पहुंच जाती है। तो सुनिए जी, मैंने मतलब ये आपकी जो एक तरह से रेज्यूम आपका पूरा जो भी मैंने देखा आपके बारे में सुना, तो उसमें एक आपकी जो क्वालिटी है, वैसे तो आप मतलब मल्टी टैलेंटेड है, तो लाइफ कोच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये क्या? मैं लोगों की डे मेकर बनना चाहती हूँ, ये मेरा ड्रीम है कि मैं अपने साथ साथ औरों का दिन बना पाऊँ, और किसी का भी दिन तभी बन सकता है जब वो खुश रहे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है खुशी, और ये खुशी हमें कैसे मिलती है, जब हम अंदर से हमारी सोल सेटिस्फाइड हो। सिर्फ पैसों से नहीं हो सकता ये कि पैसे हैं, या फिर सिर्फ रिश्तों से भी नहीं हो सकता, हमें सब कुछ चाहिए अपनी लाइफ में। तो
तो उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो उस बैलेंस लाइफ के लिए मैं हूँ। तो अगर आप में से भी या आपके थ्रू, मैं तरुण मित्र के थ्रू सबसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आप अपना टेस्ट कराते हो तो उससे आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलेगा और आप अपनी लाइफ में प्रोफेशनल, पर्सनल और स्पिरिचुअल किसी भी जर्नी में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इस बारे में तो आप तरुण मित्र से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो आप हमें 9472257305 इस नंबर पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। आप चाहो तो हमारे सुनीता SD काबरा के नाम से मेरा YouTube चैनल भी है, इंस्टा भी है, आप उनको फॉलो करके वहां पर भी आप नॉलेज गैदर कर सकते हो। और बाकी मैं चाहूंगी कि हमेशा इसी तरीके से आप सबकी हेल्प करती रहूं और अपने लिए खुशियां इकट्ठी करूं। थैंक यू सुनीता जी।